हिल स्टेशन पचमढ़ी में। जी हाँ, पचमढ़ी में ऐसा मौसम, खुशनुमा मौसम आपने देखा नहीं होगा। यहाँ पल पल मौसम जो है बदल रहा है। अभी धूप निकली है, लेकिन धूप के साथ साथ आप वहाँ दिखाते हैं हम आपको, वहाँ कोहरा जो है छाया हुआ है। अभी प्रेजेंट में दोपहर के 12 बजे हुए हैं और दोपहर में इस तरीके से मौसम है कि ठंडा मौसम है, बहुत सर्द मौसम है और दिसंबर का महीना चल रहा है। यहाँ पारा लगभग 0 पे भी पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि पर्यटन स्थल है पचमढ़ी, जिसको लेकर यहाँ बहुत ठंडा मौसम होता है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ नीमच से आए हैं और कुछ सर यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कहाँ से आए हैं। सर क्या नाम है? सर ओम प्रकाश धाकड़ नाम है। धाकड़ जी कहाँ से आए? नीमच जिला से। नीमच से कैसा लग रहा है पचमढ़ी? पचमढ़ी हिल स्टेशन है, बहुत ही अच्छा यहाँ बच्चों को अनुभव हो रहा है। इनकी ये हार्दिक इच्छा थी कि हमको ऐसी जगह पर घुमाया जाए जहाँ पर हमको प्रकृति का आभास हो और हम जो है अच्छा समय व्यतीत कर सके। प्रकृति ने यहाँ इतनी सुंदर चादर ओढ़ी है कि यहाँ बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और 12 बज चुके हैं, सबसे बड़ी बात कि 12 बजे भी लोग स्वेटर पहने हुए हैं। अभी ठंड लग रही? अभी ठंड लग रही है आपको? अभी आपको भी ठंड लग रही है? यहाँ मौसम काफी सर्द है, दोपहर के 12 बजे है लेकिन यहाँ काफी सर्द मौसम है। कोहरा भी बहुत छाया हुआ है। सुंदरता की क्या बात करते हैं, कैसा लगता है सुंदरता? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ सभी लोग जो है स्वेटर पहने हुए हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा मौसम होता है, बहुत सर्द मौसम होता है, जिसको लेकर यहाँ पर स्वेटर पहने हुए हैं, गले बंद पहने हुए हैं, टोपा लगाए हुए हैं कान में, ताकि ठंड ना लगे। बहुत सारे हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, पचमढ़ी कैसा है? पचमढ़ी बहुत अच्छा स्थान है, पर्यटन स्थल, सबको घूमने आना चाहिए यहाँ। हाँ। तो देख सकते हैं पर्यटन स्थल है, बहुत सुंदर है, इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं। क्या नाम है? नीतू। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। आप गले बंद लगाए हुए हैं? 12 बजे हुए हैं, धूप निकली हुई है, फिर भी ठंड लग रही? पंचमढ़ी में बहुत ज्यादा ठंड है। पंचमढ़ी में बहुत ज्यादा ठंड है, जिसको लेकर लोग यहाँ पर काफी, इन्होंने टोपा पहना हुआ है। आपको ठंड लग रही है? कैसा लग रहा है मौसम? महंगा है। अभी आप देख सकते थे थोड़ी देर पहले जो था, धूप निकली थी, मौसम फिर करवट ले गया, फिर बदल गया मौसम और चारों ओर जो है यहाँ पर कोहरा छा गया। और यहाँ पर ये टूरिस्ट लोग यहाँ से आए हैं, बहुत नीमच से आए हैं, या बस आई है, बस से करीब करीब 43 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पचमढ़ी में यहाँ भ्रमण करने आए हैं, घूमने आए हैं, क्योंकि पचमढ़ी बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि लोग दूर दूर से आते हैं, कंडे जो गौ माता के कंडे, ये कंडे इसलिए लाए हैं क्योंकि ये बहुत शुद्ध होते हैं और इससे गांकड़ भी बनाई जाती है, रोटी भी पकाई जाती है, सारा सामान इससे बन जाता है क्योंकि ये बहुत शुद्ध होता है। यहाँ की होटलों में यहाँ खाना ये नहीं खाते और खुद बनाते हैं। आपको दिखा रहे हैं हम लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर हैं वह खुद आटा गूंज रहे हैं, सब यहाँ आटा गूंज रहे हैं और खुद बना रहे हैं, क्योंकि इसमें जितनी शुद्धता होती है वह कहीं नहीं होती, क्योंकि घर का खाना घर का होता है। आइए बात करते हैं, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप खाना बना रहे हैं? हर बार जहाँ भी जाते हैं आप इसी तरीके से शुद्ध खाना बनाते हैं? इसी तरह शुद्ध खाना। यहाँ सबसे बड़ी बात, हमने देखा गाय के गोबर का जो कंडा था वो लेकर आए हैं, बाटी बना रहे हैं, बाटी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहली बार देखा जा सकता है कि यहाँ बाटी बनाने के लिए लोग बस में कंडे लेकर आए हैं
और वो भी गौ माता का। क्या नाम है तेरा? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी यहाँ शंकर बना रहे हैं सभी के लिए, शुद्ध भोजन बनाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल। यहाँ होटलों में खाना क्यों नहीं खाते? होटल में अच्छा नहीं मिलता। होटल में अच्छा खाना, पचमणी में खाना भी बहुत महंगा है। यदि आप घर से डंडे वगैरह और गैस वगैरह सामान यहाँ बनाने का लाते हो तो निश्चित तौर पर यह खाना आपके लिए शुद्ध रहेगा, क्योंकि यह खाना अपने हाथों से बनाया जा रहा है। कुछ और मौजूद हैं, कैमरामैन साहब यहाँ पर आए हैं और इनके साथ मौजूद हैं। भाई जब पहली बार देखा गया है कि पचमणी में खाना वाकई में महंगा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा महंगा महंगा है। तो और ये जो है ट्रेवल्स जो है ये भी बहुत महंगा है। ट्रेवल्स भी महंगा है, खाना भी महंगा है, जिसको लेकर आप खुद अपनी व्यवस्था करके आए हैं? हम हमारी पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं। आप यहाँ सबको शूट भी कर रहे हैं? बिल्कुल। सारी यहाँ जो सुंदरता है उसको भी कैद करके ले जाएंगे? बिल्कुल ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो सुंदरता है वो है कैद कर ले जाएंगे और नीमच में बताएंगे कि पचमढ़ी कितना खूबसूरत है और कितना ही सुंदर है। आपको दिखाते हैं हम कि यहाँ जो मौसम है, मौसम ने करवट ले ली है और यहाँ कोहरा चारों ओर छाया हुआ है। यहाँ पर मौजूद है यहाँ ड्राइवर, बहुत मुश्किल से लेकर आए हैं और सबसे बड़ी बात कितने कोहरे में भी सही सलामत लेकर आए सारे स्टूडेंटों को। क्या नाम है भाई साहब? रियाजुद्दीन जी। रियाजुद्दीन जी, आप ठंड का मौसम है, चारों ओर कोहरा छाया हुआ है, पचमढ़ी में सबसे ज्यादा है, आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं? दिक्कत आती है, कोहरा छा रहा है, लाइटों दोबारा गाड़ी चलती है और बहुत स्लो चलाना पड़ती है गाड़ी। आप इतनी दूर से सही सलामत लेके आए? बिल्कुल सही सलामत। क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो आप पचमढ़ी के बारे में? बहुत अच्छी जगह है साहब, पचमढ़ी बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, जिसको लेकर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और आपको बताते हैं यहाँ राजकीय हाई स्कूल चौकड़ी जो कि नीमच से आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं और यहाँ पर लुत्फ़ उठा रहे हैं ठंड का मौसम का, जिसको लेकर बड़ा ही मनमोहक दृश्य यहाँ दिखाई देता है। और यहाँ जो है सभी लोग पिकनिक मना रहे हैं और पिकनिक के साथ साथ यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं हरियाली का, ठंड का और कोहरे का।